दोस्तों हुआवे के ऊपर एक बैन लगा था 2019 में, जिसके अंदर वो अपने फोन में गूगल का प्ले स्टोर यूज नहीं कर सकते थे, इसके साथ ही 5G के चिप्स यूज नहीं कर सकते थे, और जो किरिन प्रोसेसर बना रहे थे वो भी अब नए बना नहीं सकते थे। यानी कुल मिला के हुआवे जैसी कंपनी को रोक दिया गया था एक अच्छा स्मार्टफोन बनाने से। लेकिन उसके बाद देख के लग रहा था कि यार हुआवे का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, उनकी तो सबके सब लोग सरप्राइज हो गए या फिर को बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि इस फोन के अंदर वैसी टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि चाइना यहाँ पे बना लेगा। ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था 7nm की, जिस टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाइना के पास है भी नहीं। यहाँ तक कि ये लोग सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, आज के समय में वो कंपनी खुद इतनी सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी है कि बिना किसी US टेक्नोलॉजी के एक बढ़िया स्मार्टफोन बना सकती है। आगे की कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। खैर, लेकिन बात समझनी पड़ेगी कि आखिर USA ने चाइना के ऊपर एक ऐसा बैन क्यों लगाया था। देखो, सिंपल सी बात ये थी, US का कहना था कि चाइनीज गवर्नमेंट से कनेक्शन है हुआवे के, प्लस ये लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसका यूज यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के अंदर भी किया जा सकता है। इसी वजह से चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और बैन्स वगैरह लगाए गए थे हुआवे के ऊपर, जिसके अंदर एक बैन तो सबको पता है कि ये लोग गूगल का प्ले स्टोर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हुआवे ने अपना पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया, हार्मनी OS बनाया, हुआवे की अपनी ऐप गैलरी बनाई, सारी चीजें बनाई। लेकिन हम सबको पता था वो एंड्रॉइड के ऊपर है। वही बात करें चिप मेकिंग के अंदर, यार वो किरिन प्रोसेसर ढंग से बना नहीं पा रहे थे और जो स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर ले पा रहे थे वो मोस्टली 4G बेस्ड थे और 5G का एक्सेस उन्हें दिया नहीं जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे 7nm वाली चिप यहाँ पे कैसे बना ली? बेसिकली हुआवे ने चिप्स को नहीं बनाया, इन चिप्स को बनाया गया है SMIC ने, जो की चाइनीज कंपनी जो चिप्स फैब्रिकेट करती है, और ये कंपनी जो मशीन्स यूज करते हैं ये करती है ASML कंपनी की। लेकिन ASML कंपनी को भी कहा गया था कि ये अपनी जो मशीन्स होती है चाइना भेज नहीं सकते, जो कि लेटेस्ट 5nm 4nm के ऊपर काम करती है। तो जो चाइना के पास जो ऑलरेडी एक्सेस था जिन मशीन्स का, वो तो 14nm वाली ASML मशीन है, जिन लिथोग्राफिक मशीन्स कहा जाता है, और इन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशंस वगैरह करके इन्होंने 7nm की टेक्नोलॉजी की चिप्स को प्रोड्यूस किया और उस चीज को वो स्मार्टफोन के अंदर इतनी जल्दी यहाँ पर लेकर आ गए। यानी कि US वालों ने सोचा था कि चाइना के ऊपर अगर हम बैन वगैरह लगाएंगे तो चाइना और US के अंदर जो टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंस होगा ना वो 8 से 10 साल का हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में और इन चिप के एडवांसमेंट को देख के लगता है कि चाहे US वाले अब 3nm की चिप के ऊपर काम कर रहे हैं और ये ऑलरेडी 7nm पे आ गए, तो ये जो गैप होता है वो ऑलरेडी 3 से 4 साल का हो चुका है, और इसीलिए काफी सारे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक भी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो 7nm की चिप बना रहे हैं ना, ये ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम इनके साथ है स्केल की। चिप बनाना तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, लेकिन इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी हुआवे का HarmonyOS। HarmonyOS हमेशा से एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अब रिपोर्ट आती कि हुआवे अपने HarmonyOS का एक नेक्स्ट वर्जन बना रही है, जिसके अंदर वो एंड्रॉइड की लाइब्रेरीज को डिच करके अपना खुद का OS निकालेगी। और इस बार सबसे बड़ी चीज ये लोग कर रहे हैं कि इस बार जो APK फाइल का सपोर्ट जो हुआवे के HarmonyOS में था उसे वो खत्म करेंगे और उसकी जगह नया HAP फाइल एक्सटेंशन लेंगे, जिसके अंदर उसकी ऐप देखने को मिलेगी। कुल मिला के बात ये कि जो एंड्रॉइड से था रास्ता वो पूरी तरीके से हटा रहे हैं और अपना खुद का ही पूरा इकोसिस्टम, पूरा डिवाइस, पूरा OS यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये पता नहीं कि इसके अंदर एंड्रॉइड का यूज कितना किया गया कि नहीं किया गया, कोई क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ इतना पता चला कि एंड्रॉइड को लाइब्रेरीज को भी यूज नहीं कर रहा है और जो डिपेंडेंसी की गूगल और एंड्रॉइड के ऊपर थी उसे वो कब से कब करने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मूव होता है, और इसी तरीके से चलते रहे तो टेक्निकली हुआवे जो रहेगा ना वो चाइना का एप्पल तो है ही, मतलब बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। यानी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएगा, खुद की अपनी चिप बनाएगा और चाइना के अंदर के मार्केट के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर ये सब वो कर लेता है ना तो उससे US वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके साथ एक बात ये भी हो रही है हुआवे के साथ, ये आज के समय में उसके जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो इकोसिस्टम आता है ना वो बिल्कुल एप्पल के लेवल का है। इससे इंस्पिरेशन लेके Xiaomi भी अपना HyperOS ले आई और HyperOS भी बिल्कुल HarmonyOS के रास्ते पे चल रहा है। यानी कि एक OS बनाएंगे जिससे वो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सके और सारे डिवाइसेस यहाँ पर उसके अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि जैसे हुआवे अपने HarmonyOS का नेक्स्ट वर्जन निकाल रही है, अगर उसको वहां पे सक्सेस मिलती है तो कहीं बाकी कंपनीज भी अब एंड्रॉइड को धीरे धीरे छोड़ के चाइनीज मार्केट के लिए अपने खुद के OS पे ना जाए। चाइना के अंदर गूगल बैन है और गूगल के प्ले स्टोर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो कंपनी वहां पे जो काम करना चाहे वो कर सकती है। यार ये भी खतरनाक बात हो सकती है चाइनीज कंपनीज के लिए कि एक कंपनी कुछ करती है तो बाकी सारी कंपनीज भी अब उसके पीछे भागती है। हालांकि चिप वाली चीज तो इस साल
उन्होंने क्रैक कर ली, लेकिन सॉफ्टवेयर वाली चीज ये लोग अगले साल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखना हो कि वो लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि काफी अच्छी केस स्टडी बन सकती है Huawei, कैसे एक टाइम में वो नंबर वन बन रहे थे, बैन लग के उनको नंबर वन पोजिशन से हटा दिया, लेकिन फिर अब वो अपने आप को कमबैक कर रहे हैं और इस बार इस तरीके से कमबैक कर रहे हैं जहां पे उन्हें किसी और की यहाँ पे जरूरत नहीं है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आप सब दो नेक्स्ट वन के अंदर, गुड बाय।